विजयनगर थाना क्षेत्र शिवधाम कॉलोनी के पास बीती रात पान दुकान के संचालक की रॉड से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द किया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने दीनदयाल चौक के पास मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। विजयनगर थाना क्षेत्र शिवधाम कॉलोनी के पास बीती रात राहुल परिहार नामक पान दुकान संचालक पर रॉड से हमला किया गया। मामूली विवाद को लेकर हुए इस हमले में घायल राहुल को परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने परिजनों के बताए अनुसार मामले में FIR दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने जब शव परिजनों के सुपुर्द किया तो परिवारजनों ने दीनदयाल चौक के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने बीच सड़क पर धरना दिया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने, घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर नामजद FIR करने और क्षेत्र में काबिज अतिक्रमणों को हटाने की मांग की। ये हमारे छोटे साढ़ू भाई हैं और कल 11 थी तो इनका फास्ट था, तो ये दुकान से कुछ पैसे निकालने के लिए गए थे क्योंकि बच्चे का बर्थडे था और निकाल के घर की ओर जा रहे थे, तभी ये चार पांच लोगों ने राड से बेरहमी से हमला कर दिया सिर पर, जिससे वो गिर गए और क्षतिग्रस्त हो गए। तो हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल ले गए, मेट्रो हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। सोनू रजक है, राजेश सोनी है, ऐसे पाँच लोग हैं। ये विगत शाम को 7:30 बजे दीनदयाल बस स्टैंड के पास में स्वास्थ्य हॉस्पिटल के पास में उन लोगों की कोई आपसी रंजिश थी, उसके चलते किसी एक व्यक्ति ने रॉड से राहुल के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और मेडिकल ले जाकर के उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो हम अपनी मांगों के लिए आज यहाँ पर धरना दिए थे और प्रशासन से हमारा एक निवेदन है, अभी थोड़ी देर के अंदर प्रशासन हमें नामजद लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके उसकी कॉपी हमारे पास भेजे। दूसरी चीज, जो आरोपी हैं उनका मकान जमींदोज करे, जो अवैध मकान बना होगा उसको जमींदोज करे। तीसरी चीज, जो मृतक है, मृतक के घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मुआवजे के लिए हमने प्रशासन से मांग की बात करी है, जिसमें SDM साहब ने लिखित में देने का आश्वासन दिया हुआ है। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक संदेही को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक राहुल राजपूत करके लड़के का कुछ दुकान के विवाद को लेकर दो व्यक्तियों के द्वारा ये घटना करी गई थी, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें एक आरोपी सोनू रजक को पकड़ लिया गया है, दूसरा आरोपी के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी पूर्ण नहीं है, जिसे पुलिस प्राप्त कर रही है और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल परिहार नाम के व्यक्ति की लड़ाई झगड़े के बाद उसकी मृत्यु हो गई है और उसके भाई ने बताया कि प्रवीण नाम के व्यक्ति ने उसे पीछे से राड से मारा हुआ है और जिसके कारण उसकी खून निकला और उसकी डेथ हो गई है, और उसी घटना को लेकर के उसके परिवार वाले और उसके और अन्य साथी लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया हुआ था और चक्का जाम में उनकी मांग थी कि FIR दर्ज करवाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए और BPL में नाम जोड़ा जाए और अन्य मांगे हैं। आज सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके मांगे पूरी कर दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद आक्रोशित परिजन शांत हुए और उन्होंने प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान क्षेत्र में काफी देर तक आवागमन अवरुद्ध रहा।